आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन मसाला कुछ नए तरीके से। चलिए बनाते हैं। 1.25 किलो चिकन है, 200 ग्राम दही डालेंगे, 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है, 1 चम्मच आपको डालना है लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच डालना है आपको धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है आपको, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच डालना है, चॉप हरी मिर्च 3 डालनी है, 2 चम्मच चॉप हरा धनिया डालना है। यह है फ्राई प्याज, मतलब कि फ्राई ऑनियन, लगभग 4 प्याज को मैंने फ्राई किया है, क्रिस्प हो चुके हैं, वो सारे इसमें आपको ऐड कर देने हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। मैंने इसमें घी लिया है 4 चम्मच, इसकी जगह आप ऑयल ले सकते हैं। चिकन के पीसेस इसमें डाल देने हैं, आपको 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है, फिर हम इसे ढक देंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत तो है नहीं, ढक के आपको चिकन के पकने तक पकाना है। फिर 2 चम्मच हम हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेना है और लीजिए तैयार है हमारा चिकन मसाला।